मतलब जंगल का जो माहौल होता है ना भाई, काफी डरावना नहीं होता। बारिश ना है गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए कैंपिंग वीडियो में। तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक खूबसूरत से नाइट कैंपिंग में। तो बाकी अपना सामान वामान लेके मैं और विक्की भाई आ चुके हैं। तो काफी लेट हो चुकी थी, मैं मार्केट से सीधे यहीं आया, ठीक है, अपनी कैंपिंग की लोकेशन में। तो एकदम से आज मूड बना तो चले आए, बाकी हमें लेट हो जा रही है आजकल। इसके बाद अगली बार जो ब्लॉग आएंगे तो जल्दी इसमें कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बाकी लोकेशन तो आपको सुबह देखने को मिलेगी, लेकिन आज डियो कैंपिंग होने वाली है हम दोनों के बीच में, मतलब दो जने सरवाइव करेंगे, आज कोई तीसरा सपोर्टर नहीं हमारे साथ। तो बाकी लोकेशन भी यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंट पिच करते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंट पिच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पानी भरना, फिर लकड़ी ढूंढना, सब चीज आज कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। ये अपना सामान आ चुका है, ठीक है, और इसमें से बल्ब निकालेंगे और यहाँ टाकेंगे, और ये कुछ ऐसी लोकेशन है यहाँ लगाएंगे। तो ये मॉर्निंग में दिखेगी आपको कहाँ है कैसा है करके, ऊपर आसमान नीला दिख रहा है लेकिन मेरे कैमरे में इतना फोकस नहीं आ रहा। चले भाई कहीं टाक ले, यहाँ पर अपना टाइम पीस करते हैं, ठीक है, चलो। हेलो, मलबे चलूंगी ज्यादा दूर थोड़ा सा पहले मैं कपड़े चेंज करता हूँ, ठीक है, बहुत ही जींस और उसमें टी शर्ट बहुत हो रही, जल्दी से अपना आउटफिट चेंज करके मिलता हूँ आपको, ठीक है, चलो 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 चलो। तो दोस्तों ये मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है, और बाकी अब चलते हैं पानी भरने और लकड़ी ढूंढने, क्योंकि दो जने हैं, अब पानी की जरूरत है। तब तक अपना टेंट ऐसे ही खुला रहने देते हैं, थोड़ा हवा पास होगी अंदर, ठीक है, टेंट के अंदर। चले भाई आपको ना मतलब जंगल का जो माहौल होता है ना भाई, काफी डरावना नहीं होता। इनको ले जाएंगे ना अभी, ये देखिए लकड़ियां मिलती होंगी, पिरुट भी है दोस्तों, वहां पे टेंट लगा रखा है। चल यहाँ यही है रास्ता, वहां से पानी वाला, चल चल सही जा रहा। तो ये हमारा एकमात्र स्रोत है पानी का, जहाँ एकदम नेचुरल पानी आता है, और ज्यादातर हम यहीं से भरते हैं यार सही में, ठीक है। चले फिर, तक तक क्यों हो रही है आज, दो जने हैं करके है? दो जने हैं करके कोई बात नहीं ब्रो, ट्राइपॉड उठा लूंगा मैं, और कुछ थोड़ा होगा ना। चले दोस्तों, ये रह गया अपना टेबल।
अनकंफर्टेबल वाला हो रहा है मेरा। ओहो ऐसी नींद लग रही ना आज, क्या बताए यार, सही मेरे मजाक से अच्छी। ओहो है मार्केट भी यहाँ नहीं है हमारा, कितना किलोमीटर है पता है हाँ पार मार्केट कितना किलोमीटर है पता है हमारा यहाँ से, 32 किलोमीटर, 32 या 30 किलोमीटर मैक्सिमम। ऊपर से सड़क खराब, घचड़ 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 बहुत जाऊँ बुरे ये पानी पीते यार दोस्तों, गला सूख जा रहा है सच्ची में। आज पानी ऐसा खट्टा गया, अचार खा लिया चौमिन फिर जब तक इसको लगा देते हैं ना फिर देखते हैं इसके इसका भी कुछ बैंगलोर है दिल्ली बने गया हल्का दिना है क्या भाई स्पीड बढ़ पड़ी हो दूध अच्छे से आपकी है ना। हाँ बस चलो दोस्तों अब अपना सारा सामान आ चुका है, लकड़ी भी आ गई है। लकड़ी ना हमें कैसे मिली पता है, पिछली बार की वजह थी हमारी दोस्तों। ये अपनी यहाँ कॉफी बनी जा रही है ठीक है, बाकी हमने टेंट का ऊपर लेयर नहीं लगा रखा अभी, गर्म हो रही थी करके। अभी आज हम दो जने हैं, डर तो नहीं लग रही ना बाबू भाई, डर तो नहीं लगनी चाहिए फिर इस मामले में। ये भाई की कॉफी बन गई है भयंकर। चलो देखो जंगल में ना भाई सुकून है, भाई सुकून है बढ़िया वाली कॉफी यार। परसों दोस्तों क्या हुआ बताया, हम जंगल से सॉरी मार्केट से आ रहे थे तो हमें काफी लेट हो गई थी ठीक है, तो हमारा जो टॉर्च है ना ये वाला टॉर्च तो ये गाड़ी के डिक्की में ही रहता है, तो उस टाइम हम आ रहे थे लगभग 7 बज गए थे, अंधेरा हो गया था ये वाले रास्ते से आ रहे थे ये वाले मोड़ भाई जो बाघ था ना ऐसे दुपक के बैठा था ऐसे कैमरा खोल, और हमें जैसे पता चला पता है हमारे पीछे एक गाड़ी आ रही थी उसकी जो फोकस लाइट थी उससे देखा, हम तो सीधे सीधे चल रहे थे, मैंने भी नहीं देखा किसी ने नहीं देखा, लेकिन भाई जो बैठा था ना वो गाड़ी वाले की लाइव में रिकॉर्ड हो रखा है, वो लाइव आ रहा था पीछे से हमारे गांव का ही है वो, तो उसमें बाघ हमको ऐसे ऐसे दुबक के बैठा था उस दीवार पे, एक पिलियर बने होते थे जो रोड की साइड ऐसे बैठा ठहरा, हमने जब देखी वो लाइव भाई साहब हम जस्ट लगा लो ये मैं स्कूटी चला रहा हूँ ये बगल में बैठा है, तो सभी जनों से मैं ये कहना चाहता हूँ आजकल के टाइम में देखो बहुत मतलब अभी थोड़ा हरियाली का टाइम है, ग्रीनरी हो रही हर जगह और ज़्यादा ही मतलब भूड़ भाड़ हो रहा है हमारे पहाड़ों के हिसाब से ठीक है, तो रात को अकेले सर्वाइव तो मत ही करना टू व्हीलर में भाई, आजकल फोर व्हीलर का टाइम है तो फोर व्हीलर में करो, क्योंकि रोड में भी इतनी
घास सामने आ जा रही है जम के, सामने वाली मोड़ नहीं दिख रही उसमें। और झाड़िया झाड़िया तो गजब हो रही है, काफी ज्यादा झाड़िया के चक्कर में तो हो रहा है, क्योंकि ना आजकल जंगल में घास बड़ी बड़ी होती है तो जानवरों को चाहिए साफ जगह, तो साफ जगह उनके लिए रोड ही है, रोड प्लेन होती है ऊपर से और साफ भी होती है, तो जंगल में ना रात की ओर मतलब रात के टाइम में जो लेपर्ड वगैरह जो भी अन्य जंगली जानवर होते हैं वो रोडों की साइड आ जाते हैं। तो कितनी बार हमने छोटे छोटे खरगोश वगैरह वो रोडों में कितनी बार देख दिए, 5-6-7 एक ही दिन में और एक ही रूट में लगा लो। मैंने उसको पराठे की तरह बना दिया। तो दोस्तों अब यहाँ लगाते हैं अपना चूल्हा, ठीक है, बढ़िया करके खाना वाना बनाते हैं मस्त करके, बन जाएगा ये। ज्यादा हमें वो नहीं बननी है मेहनत, ये बनना है इसको, एक लकड़ी के पीछे से भी लाना है क्या? हाँ पीछे से लिया छोटा छोटा सा, इसको तो मैं यूनि साइड बना दूँ, देखना अभी आटा गूंथ मैं आगा जाता हूँ इसको, आग अभी से मत लगाना है क्यों? नॉर्मल पड़े घुरा रहा है क्या? गुर गुर करके प्याज काटते हैं, ठीक है, ये चाकू काफी तो हो रहा है, तेज हो रहा है, टमाटर भी मस्त दे रखे हैं। पहले दिल्ली में है वो तो मंडी है,
अरे हम तो सिंपल पुराने के बड़े सुनने थे। दोस्तों चारों ओर मुआवजा करना भी जरूरी ठहरा क्योंकि दो जने हैं और डर भी लगा रहता है। चारों ओर काफी मात्रा में झाड़ियाँ हो रखी है। अभी आप जंगल में कहीं भी जाओ ना आपको झाड़ियाँ जरूर मिलेगी, ठीक है। और अगर जानवर अगल बगल से जा भी रहा होगा तो जैसे कि अभी बिक्की भाई को यहाँ कुछ फड़फड़ाहट की आवाज आई, तो भाई पता नहीं क्या क्या बता गया होगा। आसपास से गुजरते हैं जंगली जानवर, ऐसा नहीं कि यार अब उतने साल से हम कैंपिंग कर रहे हैं कि हमारे बगल से कोई गुजरेगा भी नहीं, गुजर रहे होंगे जानवर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पास नहीं आ सकते। अभी हमने आग लगा रखी है तो अपना खाना वाना बन गया है बढ़िया करके। सॉरी खाना दे रहा हूँ, अपने ये बन चुके हैं पराठे, ठीक है, बढ़िया करके। अब इसमें हम बनाएंगे अपना बढ़िया सी स्पाइसी वाली मैगी, पराठों के साथ खाएंगे मस्त करके, रोल करके एकदम। ज्यादा तो दिक्कत नहीं है, ऊपर सेट को थोड़ा दिक्कत है क्योंकि ऊपर सेट को दिख नहीं रहा है, तेला सेट को उजाला हो रहा है, तेला मसाला सब। चलो फिर दोस्तों अपनी वाली रेसिपी पूरी करते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में दिखाएंगे आपको, अभी तो पूरी नाइट बची है और गड़ी में सी फोकस है। प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, हां चेक कर ले गाइस। दोस्तों हमारे पास सेफ्टी के लिए ना ये है, ठीक है। देखो मत यार कल उस टाइम डरा दिया दोस्तों, इसने खाना खत्म कर दिया, पता नहीं क्या था। सब्जी डाल दी तो पानी का नंबर दिया था, नमक डाल लिया इसमें, कैसा हो रहा नमक। इस प्रकार की बिक्की भाई ने आज रोटी बना रखी है, देखो वाओ बस इतना ही दे दी। दो घंटे की मेहनत है, एक नंबर स्वाद है, गड्ढे भी हैं। बस मैं हरी मिर्च की वो हो जाती ना पूर्ति, मजा आया था हरी मिर्च डाल के। उगाने आता है हथियार नीचे, चलो फिर दोस्तों खाना वाना हो गया बढ़िया करके, और हमारी जो लाइट की बैटरी है ना वो भी डाउन होती जा रही है, होती जा रही है, तो आग भी हमने बुझा लिया है, ठीक है। तो आग रख के कुछ फायदा भी नहीं है, क्या बताऊं, जंगल सारी अंकल जंगल पूरा हरा भरा हो रखा है तो ज्यादा चांसेस भी नहीं है आग लगने के लिए। फिर भी हमने डाउट हो रहा था थोड़ा बहुत, बुझा दी पूरी, क्योंकि हमारे अगल बगल हमारा सामान भी है ना। और उसके बाद अपनी लियर डालते हैं और जंगल पूरा अंधेरा अंधेरा, बिल्कुल डर भी लग रही है। खाना भी हो गया अपने पास, चल भाई पहले टेंट अच्छे से पिच कर लेते हैं। चलो फिर दोस्तों गुड नाइट करते हैं आज की इस वीडियो को, ठीक है। यहाँ पर काफी देर से हम बाहर से बैठे थे क्योंकि आजकल टेंट के अंदर भी गर्मी होने लग जाती है, लेकिन सुबह सुबह हो रहा ठंडा, ठीक है। और बाकी देखो यहाँ भी झाड़ियाँ हैं, यहाँ भी झाड़ी है, कुछ रिस्क नहीं ले सकते ज़्यादा, तो टेंट के अंदर रहना ही सेफ रहेगा, ठीक है। तो बल्ब बाहर से भी रख के आया चले रहेगा फिर सुबह तक।
ठीक है दोस्तों, सोते हैं फिर, यहाँ काफ़ी नींद लग रही है। तो मिलते हैं खूबसूरत सी मॉर्निंग में। मॉर्निंग का व्यू दिखाते हैं आप सभी लोगों की कैसी स्थिति में हम यहाँ रहे, क्योंकि एकदम हम एक तो रात रात को आए यहाँ पर, तो पता भी नहीं चला कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे। ठीक है तो मॉर्निंग में दिखाएंगे आप सभी लोगों को। ठीक तो फिर विक्की भाई, डर तो नहीं लगेगी इस उस वाले जिसके से जिसने मेरे को डरा दिया है? अब वहम हो जाता है ना दिल में, अब दो जने हैं यार, ये मेरे को डराएगा मैं इसको डराऊंगा तो डर तो लगेगी। इसने मेरे दिल में वहम डाल दिया कि यार तो मैंने देखा था तो कहा देखा तो नहीं सुना बोल क्या रहा इसके आगे कैमरे के आगे। चलो फिर दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में। ठीक है नींद आ रही यार काफी। ठीक चलो अब बाकी ना चारों ओर अंधेरा और रखे गजब वाला सही में। मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक नए मॉर्निंग में। बाकी खूबसूरत सी मॉर्निंग हो चुकी है, अभी इतना टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं। ठीक है उठ गए थे अब जल्दी, नींद भी कल जल्दी आ गई थी, आज जैसे टप सोए टप करके नींद आ गई थी। और बाकी देखो जहाँ हमने कैंप लगा रखा है वहाँ पूरा रेती ही रहता है, मतलब पूरा रेता रहता ऊपर से लेके नीचे तक। चाय बनाए, चाय बना के निकलते हैं घर को बढ़िया करके, जल्दी भी उठ गए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ एक बवाल हो गया है। ठीक है हमने जो चीनी की पॉलीथीन थी ना अंदर ना चीटियाँ वीटियाँ लग जाती हैं, मतलब अंदर ना रख के बाहर रखी थी, वो गलती से इसने ओपन में रख दी हो और उसको उठा के कोई मतलब छोटा सा खरगोश वरगोश होते हैं मतलब वो उठा के चले गया, मतलब कोई पहाड़ी लैंग्वेज में हमने चिथराव बोल सकते हैं या खरगोश वगैरह आते हैं ना इस साइड को। तो ये कह रहा था सुबह कुछ बर्तनों में ऐसे मतलब आवाज़ आ रही थी खड़क 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 खड़खड़ाहट की, तो आई थिंक वही ले गया सारा। हाँ निशान भी तो है, ये निशान भी है दोस्तों, निशान भी है, कुछ तो ले गया है, जो भी आया है इस साइड से आया है, रोड रोड की साइड से, इस साइड से आ रहे पंजों के निशान है, लगता है इसी साइड से आया हो दोस्तों। ये क्या ये कह रहा है रात के 12:01 बजे क्या कहते हैं क्या हुआ था बता सीन क्या क्या हुआ था? तो सो गया था, पता नहीं बाहर से क्या आया था, बर्तनों में कुछ नहीं पता है, बर्तनों को चाटा था, पता नहीं कौन सा जानवर था। अरे कोई होगा यहाँ तो जानवर, लेपर्ड तो नहीं हो सकता भाई, इसका चीनी का थैला गायब हो गया गाइस। चाय कैसे बनाएगा बिना चाय पीने के? ऐसा ही करना पड़ेगा फिर। चिड़ियों की चहचहाहट कितनी मस्त आ रही है, ये अपने टेंट की लोकेशन है और वो सामने रोड है, यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी ये देख रही है हमें छिपके से, ये बिल्लो रानी। यहाँ से पूरे पहले
पूरा खाया आया था पानी का, तभी तो रेता रेता आ रखा है यहाँ को। दोस्तों हमने यहाँ लगाई थी अपनी कैंपिंग, देखो चारों ओर झाड़ियाँ झाड़ियाँ हो रखी है, देखिए यहीं साफ जगह थी। फिर और बढ़ गया करके गाड़ी के उधर आ चुके हैं, सामान भी अपना वाले उसमें डाल दिया है। और ये कुछ आज का मौसम हो रखा है, देखो धूप आ गई बढ़िया करके, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना झाड़ियाँ झाड़ियाँ हो रखी है, तो थोड़ा संभल के चलना रोड की साइडों में, देखो। तो यही थी फिर यहाँ की लोकेशन, मस्त वाली बढ़िया लगी हमें, सोने में भी आरामदायक रहा, ठीक है। रेता ही रेता था और पानी भी ऊपर मिल गया था। अब चलते हैं, बिक्की भाई आगे चले गया है, उसको लेते हैं और चलते हैं सीधे घर को, ठीक है। चलो दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, ज़रूर करना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड।